हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही साथ दोनों टर्म का लिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो यहाँ पर चैप्टर 4 से हम तीन टाइप में बनाए हैं क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम लोग का ये टाइप 1 है, जिसमें कि आज सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसी प्रकार से टाइप 2 भी आएगा, जो कि उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। उसी प्रकार से टाइप 3 भी आएगा, जो कि हमारा टाइप 3 में चैप्टर नंबर 4 होगा कंप्लीट। इसी प्रकार के आगे वीडियो भी आपको मिलते जाएंगे, चैप्टर 4 का है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर मिलेंगे। मतलब आपका सभी चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो आप इतना रिवीजन कर लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है वो मैथ में आपका अच्छा नंबर आएगा। तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो तैयारी कर दो, शुरू अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, तो अभी कोई टाइम बिगड़ा नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहचान करना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको लग सकता है कि यह होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये तो है, आपको हम बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 ये होती है। तो आपको तो यहाँ दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आगे बढ़िए, तो ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स जब भी ये होगा तो यहाँ पर हमें एक्स का पावर होल नंबर होनी चाहिए, जो कि होल नंबर नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन होता है कैंसिल। तो आप लोग अकबक में या फिर स्पीड में या फिर क्वेश्चन देखने के साथ में ऑप्शन न मारें, आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद सेटिस्फाई होकर के आंसर टिक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, चलते हैं बी तरफ। तो बी का अगर एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर इसका सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर x² + 1 = x² और इधर ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x³। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 होना चाहिए, पर यहाँ पर 3 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, तो इसका भी आप एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पता है कि a - b² पर एक ब्रेक होगा, तो इसको तोड़ेंगे, a² - 2ab + b², बी के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में है बराबर के, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x पहले से और इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि एक यहाँ पर कम होगा और बाकी सब जैसे हैं वैसे रहेंगे, और ये भी सॉल्व होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं ना, ये सब अलग अलग है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए तो खुद से भी बन सकता है। तो सेम क्वेश्चन जो होगा वो आपको हम होमवर्क में दे देंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा देते हैं। इसके बाद है, ये हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। इसको मिटा देते हैं हम, तो आप लोग
अंदाजा लगा लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, यहाँ पर क्यू वाला लिए हैं तो इसको ब्रेक करेंगे। तो आप सिंपल से यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाएगा तो ये ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है यही हमें लगता है कि होगा सही। करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ ये इधर देख रहे हैं आप कि एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू उधर है। तो आपको पता होगा कि ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। इसको और ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए और बी के जगह पर है, ए के जगह पर है एक्स और बी के जगह पर है टू, मतलब इसको सिर्फ हम लाते हैं इधर तो हो जाएगा हमारा कितना इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बी, बी के जगह पर तो टू है तो टू का क्यूब माइनस फिर थ्री ए, ए के जगह पर हमारा एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पर टू है तो टू बैठा दें प्लस थ्री, और ए की जगह पर है एक्स, एक्स बैठा दें और बी की जगह पर टू, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि फोर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस दो का क्यूब मतलब कि टू इंटू टू इंटू टू, ये तो ये हो जाएगा टू टू जो फोर, फोर टू जो एट यानी कि एट, और माइनस थ्री टू जो सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स। अब देखिए यहाँ से हमारा एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब जो हम लोग ऑप्शन में चल रहे थे, ये इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों का चिन्ह सेम है तो ये और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक, अब बचा ये, तो ये कभी भी ये एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं है, और ये इधर नेगेटिव में अगर इधर लाते हैं तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव जो कि सबट्रैक्ट हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा, तो ये ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, बाकी का भी देख लेते हैं बाकी का क्या है, बाकी आगे सॉल्व करने की जरूरत है, आपको बस ये पहचान करना है कि है या नहीं। तो ये है, इस फॉर्म में आ रहा है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है वो आ रहा है। तो बाकी का भी देख लेते हैं, ये अगर इसको देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि इधर भी एक्स स्क्वायर सेम चिन्ह इधर भी है, और ये लाइक टर्म्स हैं ये कटेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएंगे यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा एक्स के पावर जो टू है वही खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद है सी, तो सी भी देखिए यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी इसको कीजिएगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का जल्द ही कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग इसको भी देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें उल्टा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब कि इसमें कोई तीन ऑप्शन वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें से एक आपको ऐसा चुनना है जो इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये तो होगा क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो आपको इसको काट मत दीजिएगा ये, क्योंकि ये चिन्ह डिफरेंट है, यहाँ नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, तो अगर आप इसको इधर ला जाइए या फिर इसको इधर लाइए तो दोनों चिन्ह सेम हो जाएंगे, इधर उधर करने से दोनों चिन्ह सेम हो जाएंगे, और एक ही तरफ चिन्ह जो रहते हैं और सेम रहते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, मतलब नहीं कटेगा, मतलब कि ये रहेगा, मतलब कि ऑप्शन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ऑप्शन ये सही नहीं है पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको नहीं वाला बताना है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर हटेगा ही नहीं, हटेगा नहीं, इसका मतलब क्या कि ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें आते हैं तो आपको रूट में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो रूट में कुछ दिक्कत नहीं, इसको आप वैसे ब्रेक कीजिए जैसे आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं, बस ये भी वैसे ब्रेक होगा। तो अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो हम बस थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर को जब इसको और ब्रेक कीजिएगा तो ये स्क्वायर और रूट इसका ख़त्म होगा ना कि इसका, तो ये इस पर आएगा, यहाँ पर ये इसका ख़त्म हो जाएगा तो टू होगा, और एक्स पर तो आएगा यानी कि यहाँ टू एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर भी टू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा कैंसल क्योंकि दोनों का चिन्ह देखिए सेम है और इक्वल टू के इधर उधर है, इक्वल टू के एक ही तरफ नहीं है, एक ही तरफ रहेंगे तो चिन्ह दोनों का सेम है तो ऐड होगा, लेकिन इधर उधर रहने से क्या होता है कि दोनों को अगर एक तरफ लाएंगे तो चिन्ह अलग अलग हो जाती, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे इसको देखें तो इसको भी सॉल्व कीजिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब तो जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आप लोग गेस किए होंगे कि ऑप्शन सी होगा। चलिए अब फोर का बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर फोर में इसमें भी बताना है कि आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए तो इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला का देखिए, पहला का तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये कैंसिल हुआ। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर में कहीं मिला था कि ये रूट ने, हाँ यहाँ पर मिला था कि ये जो है ये थ्री रूट एक्स है, पर यहाँ पर मिला हुआ हमें थ्री, ये सिर्फ नंबर रूट में, बाकी जो एक्स है हमारा वेरिएबल वो हमारा रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है लेकिन ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी ऑप्शन, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको नहीं वाला बताना है, तो सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन में इसको ब्रेक कीजिएगा ना, तो यहाँ तो आपको मिलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर इधर मिलेगा, चलिए ठीक है। पर उधर देख लीजिए, उधर आपका है टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर वाला तो हमारा मिल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पर उधर वाला आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड होता है तो इसका वन और इसका टू तो हो जाएगा थ्री, और बाकी आगे मल्टीप्लाई इसे करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया थ्री, अब थ्री आ गया फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पर इससे कर भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतना आ गया। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो टू होना चाहिए, पर इसका हाईएस्ट डिग्री थ्री हो रहा है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, और इसमें भी हाँ इसको जब सोल्व करेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर एलसीएम लेंगे तो, और उधर भी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको भेजेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हुआ है गलती, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स कर दीजिए, ऑप्शन नहीं है गलती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स कर देते हैं, और अब ये सही हो गया, तो अब इधर ये जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो नहीं है, इसको करते हैं सॉल्व, जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ देखो ऑप्शन नंबर हमारा सही कैसे है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर टू एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर, इधर इसको लाइएगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब ये रहेगा ही रहेगा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी को जब सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलसीएम लीजिएगा इसका एक्स स्क्वायर, तो ये है इसको एलसीएम लीजिएगा तो कुछ नहीं, वन नीचे छिपा हुआ, इसका एलसीएम लीजिएगा एक्स आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करते हैं तो
तो एक्स टाइम एक्स को इसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम है तो वही रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा क्योंकि डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा पावर थ्री हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर हिंदी के भी जो स्टूडेंट होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसका अगर लगता होगा कि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही बता रहे, नहीं इसे हिंदी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है द्विघात समीकरण, और इसमें मैथ में थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश चलता ही है, तो इतना आपको रखना पड़ेगा क्योंकि टेंथ के बाद अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश में ही लेते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन था कौन है, तो देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल रहा है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व जब कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसको मिटाते हैं, जब इसको सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट वाला को तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहता है। अब उस तरफ देखिएगा तो यहाँ पर है टू एक्स माइनस सिक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस सिक्स, अब ये तो रह गया, ये तो है ना, ये तो नहीं कटा, आप इसको काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये कटेगा तो ये पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा वन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सबको भी चेक करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम है, जो अभी हम आप लोग को होमवर्क देंगे, इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, जो कि अभी से ही जो रिवीजन कीजिएगा वो 2023 के लिए आपके लिए बहुत फायदा होगा, तो आपको दे रहे हैं होमवर्क, इसके लिए आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ऐसा वाला क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन देख करके ऑप्शन मारेगा। चलिए अब हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये है आप लोग का होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क में देख लीजिए, पहला पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन सा है, इसमें दो क्वेश्चन है, वन टू, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। देखिए क्यू वाला भी आपको हम बता चुके हैं और स्क्वायर वाला भी बता चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन, इसलिए हम बताना ठीक नहीं समझे क्योंकि इतना तो आप ही मेहनत कर ही सकते हैं, अगर आपको बनाने में दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा हम बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी ऑप्शन में आपको ये भी क्वेश्चन सेम ही है, बताना है आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नो, मतलब बताना है इसमें कि कौन सा इसमें ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही नहीं है। ठीक, तो ये आप लिख लिए, होमवर्क है, हमें उम्मीद है कि आप जरूर बनाइएगा इसको और जल्दी ही बताइए कि क्या ऑप्शन आपका सही आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम आपको बताएं टाइप वन, टाइप टू इसके नेक्स्ट वीडियो में है, उसको हम लोग देख लीजिएगा आप लोग, और उससे भी आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। आप लोग जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, आप रेगुलर बने रहिए, और आप अगर आपको नोटिफिकेशन जल्द ही चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा वीडियो लगा उसका भी कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार से टाइप टू हम जल्द ही डालेंगे, सभी चैप्टर को आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सारे हैं वो सब बता दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।